नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। आखिरी चरण के लिए यूपी में चुनाव प्रसार के लिए भाजपा ने ताकत झोंक दी है। देहरादून में कॉलेज के बाहर वंशिका नामक छात्रा की हत्या के आरोपित छात्र आदित्य तोमर को पुलिस ने आज ISBT क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपित छात्र से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक वह छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास कर रहा था। इनकार करने पर आरोपित ने घटना को अंजाम दिया। उत्तराखंड में चुनाव के मतगणना की तैयारियां चल रही है। इस बीच पोस्टल बैलेट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई सवाल खड़े किए हैं। 3 दिन में 2 बार ट्वीट कर हरीश रावत ने लालकुआ विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों और पुलिस को पोस्टल बैलेट ना पहुंचने का मामला उठाया है। हरीश रावत का यह भी कहना है कि आखिर लालकुआ विधानसभा में पोस्टल बैलेट क्यों नहीं पहुंचे हैं। यूक्रेन में फंसे नागरिकों का उत्तराखंड लौटने का सिलसिला जारी है। गुरुवार तक राज्य के 86 छात्रों और अन्य लोगों ने वापसी की। अब भी वहां 201 नागरिकों के फंसे होने की सूचना है, जिनकी लोकेशन प्राप्त हो गई है। उन्हें केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने के प्रयास हो रहे हैं। इसी बीच राज्य के मुख्य सचिव SS संधू ने राज्य सचिवालय में यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा की। देहरादून में आज 4 मार्च को सोने की कीमत 53,010 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 68,610 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। देहरादून के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले काफी बदलाव आया है। तो फिलहाल आज के उत्तराखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।